तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके विंडोज़ का जो विंडोज़ सिक्योरिटी है उसका जो रियल टाइम प्रोटेक्शन का जो ये ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये टर्न ऑफ है, अगर आपका भी यहाँ पे टर्न ऑफ रहता है, अगर आप इसे टर्न ऑन कर रहे हो, आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो लेकिन आपका तब भी आपका ये टर्न ऑन नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली सॉल्व किस तरह से और कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो करना क्या है कि आपका जो करंट आपका जो विंडोज़ सिक्योरिटी आपके यहाँ पे ओपन है तो आपको इसे क्लोज करना है, और भी जो जो प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे ओपन रहते हैं तो सभी को आपके यहाँ पे क्लोज कर आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेनू में जाना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दो कमांड्स मैं आपको यहाँ बताऊंगा, टू डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स, तो आपको उस कमांड्स को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो कमांड्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और मैं इन दोनों कमांड्स को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसे डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे इस कमांड प्रॉम्प्ट में आपको इसे पेस्ट कर देना है, अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करना है, और आपका ये जो कमांड है उन्हें आपका पेस्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे जो आपका जो नेक्स्ट कमांड है आपको यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है, मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन से को आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है, Ctrl+V बटन को आप यहाँ पे प्रेस करके तो आपका यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, अगर कॉपी करना है तो Ctrl+C बटन प्रेस करके तो आपको वो कॉपी हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर दिया ना है, पेस्ट कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आउटपुट आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, कोई भी मैसेज शो नहीं होगा। ये सेकेंड कमांड को रन करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है EXIT एग्जिट, और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है, और आपके यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे ओपन रहते हैं तो आपको यहाँ पे इन सभी को सबको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद फिर आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाकर फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे रीस्टार्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रीस्टार्ट हो जाने के बाद अब आपको अपने सर्च बार में आना है, और आपके यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है, और आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स पर आपको यहाँ पे आना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो रियल टाइम प्रोडक्शन यहाँ पे टर्न ऑफ था, अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपका ये टर्न ऑन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टर्न ऑन करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये टर्न ऑन हो गया है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे टर्न ऑफ रहते हैं तो आपको उन सभी को ही आपके यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है, तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, जल्दी जाके ज्वाइन कर ले, आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।